हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डिस्कस सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ क्लास 10th चैप्टर 7। बच्चों, वी हैव टू राइट द क्वेश्चन ओनली एंड यू हैव टू ट्राई टू सिंप्लीफाई देम बिकॉज सी मेनी टाइम्स आई गेव द सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस टू यू एंड आई थिंक यू प्रोड्यूस द गुड आउटपुट फॉर मी। So today again we have write some more questions for you and you have to concentrate these questions to attempt them. So we have to start the write the questions. Question number 1. अच्छा, ये रिवीजन के लिए हैं, अच्छे से क्वेश्चन जिनका कि आपने रिवीजन करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस ही पेपर में मोस्ट लाइकली पूछा जाता है, इसलिए मैं इनको लिख रहा हूँ। आप इन्हें करें, जो नहीं आए कमेंट बॉक्स में जाएं और हमको कमेंट करें कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया, तो हम उसका आंसर आपको सेंड करेंगे। ठीक है, फाइंड द पॉइंट ऑन द बाई एक्सिस, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 1 से रिलेटेड होगा। फाइंड द पॉइंट ऑन बाई एक्सिस विच इज इक्यू डिस्टेंस विच इज equidistant from the points -5 and -2 -5 -2 and 3 and 2। बच्चों, ये क्वेश्चन जैसे लिखा कि बाई एक्सिस पर से इक्विडिस्टेंस है, ठीक है, तो बाई एक्सिस पे एक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। फाइंड द पॉइंट, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऐसा, जैसे कि हमने पहले जब इनको सिंप्लीफाई कराया तो आपको बताया, तो यहाँ पे बाई एक्सिस में क्या होगा, 0 और बाई होगा, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, बाई की वैल्यू आ जाएगी। तो बाई की वैल्यू आ जाएगी तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पर पी सपोज कर लिया, ए पी बराबर किसके होगा, पी वी के होगा। डिस्टेंस फार्मूला लगाने के लिए आसानी से लग जाए, उसके लिए मैं क्या लिख लूँगा, ए पी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी वी का स्क्वायर। एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू उस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, आपको क्या मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ मैंने लिखा कि इफ -8 है, कुछ इन्फिनिटी जैसा हो गया, तो यहाँ लिखा मैंने -8 एंड 0 एंड 4 एंड 3 एंड 8 एंड 0 आर टू वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द थर्ड वर्टेक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 लिख देते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उस इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमारे पास क्या है कि दो वर्टेक्स मालूम है और तीसरा वर्टेक्स की हमने क्या करनी है कि वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो बहुत आसानी से फाइंड आउट हो जानी चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन उस टाइप का लिखते हैं कि जिसमें कि हमें क्या फाइंड आउट करना है कि रेशियो फाइंड आउट करना है, तो यहाँ हमने लिखा फाइंड द रेशियो इन विच द बाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining the points
फाइव एंड माइनस सिक्स, फाइव एंड माइनस सिक्स एंड माइनस वन एंड माइनस फोर एंड माइनस वन एंड माइनस फोर। आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, आल्सो ये आल्सो लिखा हुआ है, आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर भी बाई एक्सिस लिखा हुआ है, तो जो हमारा सेक्शन फार्मूला होता है वो सेक्शन फार्मूला में आप क्या करेंगे कि बाई इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस वो बाई इज इक्वल टू एम एक्स बाई एम बाई टू प्लस एम बाई वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एम में वैल्यू डालेंगे और वहाँ बाई की वैल्यू जीरो आ जाएगी तो हमारा क्या आ जाएगा, रेशियो निकल आएगा। फिर आगे ये जब रेशियो आ जाएगा तो ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर क्या लिखा है कि एक और रेशियो लिख लेते हैं, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं क्वेश्चन को। फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट, इन विच द पॉइंट, इन विच द पॉइंट माइनस थ्री एंड पी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, माइनस फाइव माइनस फोर, माइनस फाइव एंड माइनस फोर एंड माइनस टू एंड थ्री। हैज फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, हैज फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फाइव लिखा, हो सकता है बच्चों इससे पहले भी हमने एक इस चैप्टर से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट वीडियो डाली हो तो आप उसको देखें। देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। क्वेश्चन नंबर फाइव लिखा कि डिटरमाइन द रेशियो, डिटरमाइन द रेशियो इट बिच द लाइन एंड विच द लाइन टू एक्स प्लस बाई माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ए टू एंड माइनस टू, एंड बी थ्री एंड सेवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं क्या लिखा जाए। ये हमने लिखा कि फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऑफ ए थ्री एंड ट्वेल्व फ्रॉम बाई एक्सिस। ये बच्चों बाई एक्सिस लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ मेरे तरफ से आपके लिए कुछ अच्छे से क्वेश्चन है,
जिनको कि आप कर लेंगे। वैसे तो मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे से क्वेश्चन पहले से आपको कराए हैं और इन क्वेश्चन को भी आप कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यानी पूरा चैप्टर से जो बहुत अच्छे से क्वेश्चन है उस टाइप का क्वेश्चन मैंने मेंशन कर रखा है। ये वैसे तो और भी हो सकते हैं लेकिन मेरे हिसाब से ये दीज क्वेश्चंस आर द बेस्ट ऑप्शन। सो यू हैव टू कंप्लीट दीज क्वेश्चंस इन योर कॉपी। वन मोर क्वेश्चन वी हैव टू राइट देन बेस्ट ऑफ द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 7। इफ द पॉइंट्स हैं A0 एंड ए डैश बी, A0 0B, 0 एंड B एंड XY आर कॉलिनियर देन फाइंड द वैल्यू किसकी वैल्यू निकालनी है? वैल्यू ऑफ एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। पैरेललोग्राम भी आप देख लेंगे, ठीक है, कि पैरेललोग्राम में क्या कंडीशंस होती हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, हाउ टू यूज द डिस्टेंस फार्मूला इन द केस ऑफ द पैरेललोग्राम। सो बच्चों दैट्स ऑल। एंड वीडियो अगर अच्छी लगे, क्वेश्चन आपके काम आए, अच्छे लगे आपको क्वेश्चन, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं रखा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आपको इसी टाइप की और भी वीडियो अपलोड कर सकूं और जो आपके काम आ सकें। थैंक यू। जय हिंद।